ladies and gentlemen, मैं मोहसिन अब्बास और आप देख रहे हैं पब्लिक। खवातीनों हज़रात, पहले तो गर्मियों में हमारा सिर्फ एक मसला था और वो था गर्मी। उसके बाद उसमें शामिल हुआ लोड शेडिंग का मसला और अब लोड शेडिंग के साथ साथ बिल का मसला और उस बिल में पता नहीं क्या कुछ शामिल। लगे ठेका। गर्मियां खत्म होती हैं तो एक और मसला खड़ा हो जाता है जो कि है स्मोग का मसला, और ये इंतहाई संगीन मसला है। मुझे ऐसा लगता है बहुत कम लाहौरी इस बात से वाकिफ हैं कि जैसे ही अक्टूबर और नवंबर का महीना शुरू होता है तो लाहौर दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन जाता है। पैगी ठंड लगे ठेका। हुकूमत ईंटों वाले भट्टे और धुआं छोड़ने वाली चिमनियां तो बंद करवा सकती है, पर कूड़े नु अग लाने वाले ने कौन समझाए। देखिए, ये एक माइंडसेट है कि पूरा साल तो हम कूड़े के साथ गुजार सकते हैं, लेकिन इन महीनों में कूड़े से एलर्जी हो जाती है। हद है यार, लगे ठेका। एक बात जान लीजिए भाई, सारे काम हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होते। बतौर शहरी कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी बनती हैं, पर हम तो वो काम करते हैं जो हमारे करने वाले नहीं होते। लगे ठेका। सबका कॉमेडी रिमांड ओनली ऑन पब्लिक डिमांड। तो आज का पब्लिक डिमांड होगा पब्लिक डिमांड प्लस, क्योंकि आज होगा यहां पर हुस्न, शबाब और सुरों का दंगल, जो ना आपको WWE में मिलेगा ना आपको किसी रियलिटी शो में मिलेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तशरीफ लाती हैं उकाशा गोल और निमरा मेहरा। दरमियान चल जाना। अच्छा गर्ल्स, आज आप दोनों खवातीन का कॉमेडी रिमांड होगा, अपना मुकदमा खुद लड़ेंगी या हमारे पास कुछ ऑप्शन है, ताफू बरादरान या फिर बैरिस्टर बग्गा, व्हाट यू वांट? दो नहीं वैसे तुम अपना केस खुद लड़ेंगे, लेकिन अगर कहीं अरेंजमेंट्स की फिकर विकर पड़ गई या जरूरत पड़ गई तो बुला लेंगे बग्गा जी को। अरेंजमेंट बोले तो असा यार मनावणा है, असा ढोल मनावणा है। चमक दमक देख के लगता है आप दोनों को महंगाई ने कुछ खास असरअंदाज किया नहीं है। बाबू, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बाजी क्या है, ठीक है बैठा मैं बाजी। आपके साथ? नहीं बिल्कुल नहीं। ओके फिर ठीक है। मैं इस वाली कैटेगरी में नहीं आती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस दुनिया में कोई इतना खुशहाल है, इतने प्रिविलेज्ड हैं ये, इनको वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई तो भाई, ऐसे आपका जो करियर था वो यंग एज में बहुत सटल हो गया, बड़ा स्टेबल हो गया, क्या आज भी आप उस स्टेज पर नहीं पहुंची कि जहां पर आपको देख के कहा जाए कि बिजली का बिल देके आपका तड़ा निकल जाता है? ऐसा है कि पहले तो बिल्कुल फिक्र फाका वाला तो था ही नहीं ना, सिस्टम ही नहीं था। अभी पिछला मंथ ऐसा आया कि जब बिल आया तो मुझे लगा कि यार क्या मैं भी गरीब होने वाली हूँ। मैं तो ठीक ठाक थी, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ा। बिल्कुल ठीक थी, ये तो सब अच्छा चल रहा था, अचानक क्या हुआ है जिंदगी में बाजी? हाँ बाबू, उसी अपना बिल ऑनलाइन पे कर दियो कि सरेआम सार दियो। ये तो करना ही है, ऑनलाइन हो गया सरेआम। साड़न की नौबत नहीं आई हाले तक। सड़ आप रहे हैं ना, बाल आप रहे हैं। जलाने की बात करते हो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप बहुत से टेम्पोस वैसे फॉलो करती हैं, बड़े मजे मजे की आवाजें निकालती हैं, लेकिन जब बिल देखती हैं तो कौन सी आवाज निकलती है? जगीर द्वारा। तेनू इन्ना बिल पाता है, तेनू नहीं पता असी गरीब हुंदे हां। आप दोनों की खूबसूरती की नजर करने के लिए मेरे पास कुछ बूटॉक्स माइये हैं। हो कोई खेले तमाशाए, हो कोई खेले तमाशाए, ओ मल्टी टैलेंट बैंक का सा।
टिंपल कर फड़दा कैच होना है, कोई फड़दा कैच होना, वो टैलेंट ब्यूटी दा है, पब्लिक ते मैच डिफाइन नहीं कर पा रही थी कि कोई मुझसे पूछे उकाशा क्या है, तो एक शेर में बता दूं। हाय 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 हाय, ये बहुत ही खूबसूरत, ये प्लीज मुझे लिख के पर्ची साथ दे देना। मैं तो कह रही हूं क्लिप लेके रख लेंगे कि यार इतना अच्छा इंट्रो तो किसी ने कभी नहीं दिया जो मौसी ने दे दिया है। अच्छा वैसे निम्रा, सिंगर तो आप हैं, कभी अदाकारी की ऑफर हुई आपको? हां हुई। तो आपने अवेल नहीं की? नहीं। व्हाई? ऐसा था कि मेरे बाबा, क्योंकि वो डॉक्टर थे, अब तो नहीं है, पर वो मुझे कहते थे कि तुमने सिंगिंग करना है तुम कर लो, लेकिन एक्टिंग में मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम करना। तो फिर एक टाइम आया, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुम कर लेना, जब मौका मिलेगा कुछ कर भी लेंगे, अगर उन्होंने कह दिया तो कर लेंगे। उकाशा, डबिंग से सिंगिंग के दरमियान आने वाला कोई स्टॉप नहीं छोड़ा आपने, ऐसा ही है? कोई फैसला किया कि आप एक्चुअली करना क्या चाहती हैं जिंदगी में? आई नेवर प्लान्ड द थिंग्स, क्योंकि आई डोंट नो कल हो ना हो, आज का दिन जो है ना उसको मैं हर तरह से हर फ्लेवर के साथ जीना चाह रही हूँ। इससे पहले कि यहाँ खड़े खड़े मुझे आपकी शादी के लिए लोग इमदाद देना शुरू कर दें, आए बैठ जाते हैं। Ladies and gentlemen, really man. उकाशा निम्रा दोनों मल्टी टैलेंटेड हैं, लेकिन ये फैसला कौन करेगा कि आप में से कौन निगरान सिंगर है और कौन सिलेक्टेड सिंगर है? मेरे ख्याल से मैं अपने बारे में बोलूंगी कि मैं सिलेक्टेड हूँ। मुझे हमेशा जो ऑडियंस ने वोट दिया है मैंने उसकी बेस पे काम किया, और ऑडियंस ने मुझे जैसे जैसे पसंद किया है, जैसे वो चाहते थे, मैंने वैसे काम किया। क्या बात, निगरान वाला सिंगर वाला जो प्रोसेस है वो मेरी समझ में नहीं आता। हम कौन से वो कक्कड़ टाइप, यू नो, समझ में? निम्रा कक्कड़, निम्रा खाकर, यू नो। व्हाट डू यू थिंक उकाशा? अच्छा भाई, निगरान तो हम है नहीं, क्योंकि लाया जाता है, वो डमीज ही होते हैं किस्म के जी। डमी हम सिर्फ बनते हैं डिफरेंट जब मिमिक्री करनी होती है। तो सिंगिंग खुद का शौक है और इलेक्टेड है, और आगे भी बहुत जाना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर दैट। अच्छा वेले दी रोटी लेके डेरे ते नहीं आई तू, इत्थे घर तो बेबे तू टाउन भी बनवाई तू, चाचे नु शिकायत मेरी केड़ी गल दी लाई तू, सारे लोकी तैनू कहंदे मुंडा नहीं हर जाई तू, तैनू केड़ी गल दा मान नी कहंदी तू परदान, ओ तेरे बार कड्डा थम ने तेरे हम जजनी है दिया दा नाम जजनी है बस बस तेरी बैटरी लो हो जानी, तो बिल्ला ने अगे मत मारी पई है। अच्छा मेरे दो सवाल हैं। एक तो उस दरवाजे में आपने इतनी देर क्यों लगाई, फंस गए थे आप? और दूसरा सवाल ये कि कौन सी चाची जो आपको मुंडा कह रही है, मुझे बताओ। ये जो मोहतरमा आपने इस्तफ्तार किया है कि मैं दरवाजे में फंस गया था, फनस मेरी हनंसी निकल रही है। मोहतरमा किस शहर की आमद है रन कांप रहा, किस शेर की आमद है कि वतन कांप रहा, वतन पे सितारे लपेटे हुए है जान तमन्ना के डर जा रही हो, जरा पास आओ बेचैन जाए, जरा पास आओ बेचैन जाए। अच्छा पूरी कायनात के सितारे खत्म हो जाएंगे पर ये बदन नहीं कंप्लीट। अपनी जगह मुझे लगता है मौसम के अंदर ना कोई करंट है जो इसको थोड़ी देर शौक लगता है। असली रोज जानने हैं एम तबाना चाहिए जी। मैं अक्सर क्या करता हूँ कि मुझे गाने और शर्ट उतारने का बहाना चाहिए, ये बात। अभी तो देखने में लग रहा है आपको नाचने का भी बहाना चाहिए। हाँ, anything. Anything. अरे पैसा फेंक तमाशा देख भाई। हाँ जी, इस गल की पंजाबी बन दी है टगे टगे ते नचना।
ਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਾ ਓਏ ਨਨਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਆਜ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੂੰ ਕਿ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗਰਮ ਜੋਹਰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਮੇਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਮੋਸਨ ਪਾਪੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ ਦੋਏ ਹਿੱਕਾ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਆ ਗਏ ਮੋਸਨ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਝਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਿਮਰਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਉਕਾਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਓਏ ਮੋਸਨ ਪਾਪਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਸਮਝ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਹ ਸੀਨ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੌਨ ਸਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਧੁਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿੰਚ ਕਛ ਅਮਰੀਕਨ ਆਈਡਲ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਅੱਗੇ ਗੱਜੂ ਮੱਤੇ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਕਰਨੇ ਕਿਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਓਏ ਇੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਛੱਡ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਐਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਤੇ ਮੱਖਣ ਗੁੱਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਿਕੋਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਾਏ 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 ਤੇ ਇਸ ਅਫਾਕੀ ਅਦਾਰੇ ਓ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ ਇਸ ਅਫਾਕੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਲਾ ਸਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵਾਰਨਰ ਗੁੱਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਜਰ ਓ ਕਾਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਜਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਏ ਗੁਜਰਾਏ ਨੈਣਾ ਕੋਲੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਇਸਤੀਫਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਇਸਤੀਫਾ ਕਰਤੇ ਹੈ मैं गुजर नहीं हूँ तो मेरे बारे में क्या ख्याल है कोई नहीं तुहानू विलन करा ले सा मैं बहुत अच्छा प्ले करूँ चलो आज ये तो पता चला कि गुजर हीरो होते हैं वाकई हीरो होते ऐसे कुछ कहना भी नहीं ना वो इकट्ठे होके आ जाते हैं दोनों हजरात जो हैं आप ये पब्लिक डिमांड को मलका दा बाग समर के शूटिंग करना आ गए मोहसिन जी जिस शो च बेरियां आन उत्थे वट्टे ते मेरा मतलब है प्रोड्यूसर तो आंदे ही आंदे मोहसिन पापा अगर तू पूछ ही लिया तो सुन फिर असल च असी चाहने के उकाशा जी नु अपनी फिल्म च लेइए हीरोइन ओके ते निमरा जी नु असी अपनी फिल्म च एज ए प्लेबैक सिंगर लेना है इस वास्ते दोवां नाल एग्रीमेंट करन आया वाह 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 इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से आपको ऑफर आई है वार्नर गुज्जर ब्रदर से क्या कहेंगे आप मैं कभी काम को और रिस्क को ना नहीं करती शाबाश है अच्छा वैसे मुझे पता चला था कि ये जो चौधरी है इसकी अपनी शादी की फिल्म पिछले 30 साल से डब्बे में पड़ी और अभी तक मिक्स नहीं हो पाई एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है आए हाय हाय एक सितम और मेरी जान अभी गांव बाकी है मेरा ख्याल है चोई सब जिन्ना जलील हो गए ना चलिए ते चल के कोयटा चाह पराठे की दुकान पाई ठहर जा ओए असद उमर वांग डिसार ना हो जाए कर ओए सी एस ये फिल्म बनावणियां ने कि जवान ते पठान साडी फिल्म अगे वलीमे दीयां फिल्मां लगणियां ने चोई साहब दी इस गल तो आमद हो गई है लो जी इंज करके फ्रेम ओपन होया ते उकाशा जी दुल्हन बन के बैठे हाय 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 मथे ते उत्ते टिक्का लाया हाथां ते मेहंदी उंगलियां च पंजांगला पैरां ते मेहंदी ते लाइट असी हीर रांझे तो भी बेहतर रखांगे अच्छा ये बहुत ड्रैग है अंडरस्टूड है के दुल्हन ये सब कुछ पहन के बैठी हूं बहुत अच्छे दुल्हन लुटी भी ते जा सकदी है वाह भाई और मेरा पुत्र असी बनानी है मेरे जीवन साथी ए नहीं बनानी दुल्हन एक रात दी ਆਏ ਹਾਏ ਹਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਆਏ ਹਾਏ ਚੌਧਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਲੇਡੂ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਬਲ ਕੀ ਦੁਆਏ ਲੇਤੀ ਜਾ ਆਜਾ ਤੁਝਕੋ ਸੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਮਿਲੇ ਬਾਬਲ ਕੀ ਦੁਆਏ ਲੇਤੀ ਜਾ ਜਾ ਤੁਝਕੋ ਸੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਮਿਲੇ ਜਾ ਤੁਝਕੋ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਟ ਓ ਗਰਮ ਓ ਰਕਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਾ ਜੇ ਗਾਣਾ ਪਾਓ ਗੁਲਾਬੀ ਆਂਖੇ ਓਕੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦੇਖੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜਬ ਵੀ ਮੈਟ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਗਬਾਨ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਰੀ ਦੇ ਤੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਚੋਪੜੇ ਦੇ ਓਏ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ
आप उन सबके सामने सिर्फ चले जाएंगे, उनके दांत वैसे भी खट्टे हो जाएंगे। बात सुने, आप यहाँ तशरीफ रखें, आज मैं तो डीप गरम जोर साहब तशरीफ रखें प्लीज। आप एडवांस कॉल है ना, आप बस ठीक है। हेलो, कौन है ये? समझ लिया आपने मैडम जी, फटा कहीं है रास्ता क्या? शो चल रहा है, पब्लिक डिमांड यहाँ पे, कहाँ कौन कैसे? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। नहीं, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे आपका दाखला ममनू होगा यकीनन। नेवर, क्योंकि मैं हूँ लाखों फॉलोवर्स के दिलों की मलिका मन्नत मिर्जा। अब आएगी उल्टी। बाजरे दी राखी तुहाडी वजह तो फ्लॉप हुई सी। नहीं वो और थी यार। अच्छा अच्छा, मैं कोई साइमा नूर नहीं, ओदे फ्लॉप होंदी समरी ऐसी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। वाह वाह, नहीं आप तो फिर वो होंगी ना जिसको हर ड्रामा हर फिल्म हर चीज ऑफर की गई थी, आप वो भी हैं शायद। वैसे आपको मेरा बड़ा पता है, आपको सेक्रेटरी ना रख लूं। अच्छा चौधरी, जे साड़ी फिल्म फ्लॉप होगी तो अभी भी जूस वाली सेक्रेटरी पावांगे। वैसे बाय द वे मैडम, आप जैसे टिकटॉकर के ना सिर्फ मोहल्ले में फॉलोवर्स होते हैं। मोहल्ले में फॉलोवर्स भी खूबसूरत लड़कियों के ही होते हैं। और आपको लगता है आप खूबसूरत? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीवेयर में। आप यहां पहुंची कैसे? मुझे इनवाइट किया गया था। ओह माय गॉड, यस। नहीं 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 मैडम, आपको गलतफहमी हो रही है, आपको बुलाया होगा यहाँ पे डिजिटल वाले, वो मेकअप रूम के बिल्कुल साथ है, वो वहाँ जाए। मेरे साथ ना आजकल यही बैड लक चल रही है। क्या सैयद नूर ने कास्ट करना था मुझे, नंबर मिला बैठे जन्नत मिर्जा का, अगर वो फिल्म मैंने की होती ना तो चूड़िया का ना रिकॉर्ड तोड़ देना था। असल दे विच मोहसिन, इनू मैं इनवाइट कीता है, इनू फिल्म दे स्टार्ट च मरवानी गोल। पानी स्टार्ट हो गया है चाचा। वैसे वापस की बात है गरम जोर साहब, जरा गौर करेंगे, भी एक टैलेंट ही है ना, इनको मौका देना यार। हाँ। यार मौका तो दे दे सा, लेकिन ओदी ख्वाहिश देखो ना, वो डिजिटल मीडिया ते काम करना चाहंदी। जात दी मन्नत मिर्जा ते शौक सईद अजमल आले। इतनी प्यारी लड़की आप लेंगे, आपकी फिल्म हिट जाएगी पता है। मैं इस तो बेहतर चौधरी दे तीन बारिश वाले गाने करा दूं। चौधरी बारिश वाला गाना कर लेगा? और चौधरी नु तुसी इजी ले रहे हो, चौधरी हशमत वल्द नरगस। साडे तो बारिश वाले गाने भुले ने जी। कुछ देर तो रुक जाओ, रुक जाओ, बरसात के बहाने कर लेंगे चार बातें, ओ कर देंगे चार बातें इस बात के बहाने, तो रुक जाओ, रुक जाओ। जर्मन आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड, और चल रहा है उकाशा और निमरा का कॉमेडी रिमांड। बैठ जा मामू, बैठ जा। ऐसा ना आप उनको नहीं, इसका आंख का इलाज कराओ रे। अबे एक वड़ा पाव पे दो घंटे नाचने वाले। अबे ओ गोविंदा के पीछे कोरस में नाचने वाले। कौन सा स्टेप? कौन सा वो? उसमें तेरा सिर्फ हाथ आता है, मुंह नहीं। वो सलमान खान की फिल्म में भी था ना, तेरा रोल तौलिया का था। हाँ अब ये पहचाना मेरे को, मैं तेरे को बताता हूँ। देख पाव भाजी का धंधा कोई मामूली धंधा नहीं है, 5,000 का रोज का गल्ला है क्या? एमा एमा ये देख 50 तोला। एमा ये देख घोड़ा, वो देख गधा। वो गधा हो सकता है लेकिन मैं मां नहीं हो सकता। No. I don't have those features. अरे बनाएगा ऊपर वाला, ना उम्मीद मत हो। ले जा इस गधे को, ले जा यहां से, ले जा इस कचरे के ड्रम को, वरना यही छोक डालूंगा क्या? यार चंगा ब्लड रिएक्टर तू, कचरा प्यार नहीं यार।
अजान, मुझे लग रहा है आपको कोई टीका भी कलर गया। मुझे भी लग रहा है। ए वठल कानिया, ये सर्किट और ये डेढ़ फुटी को यहाँ क्यों बुलाया रे? लो जी, अल्लाह झूठ ना बुलाए तो मेरा ख्याल है किसी बंदे ने ना संजय दत्त की फिल्म एदी पुड़ पुड़ी च मारी। ए अपुन संजू बाबा है क्या? ओके अखा मुंबई में राज करता है। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ ना तो तेरे साहब लोग मेरे को सलाम ठोकते हैं। क्या? अब भाई पी भी क्या है क्या? ये कौन है जिसको सांप डस गया नीली पड़ गई है? अच्छा मैं क्या असली संजय दत्त नु 35 साल भी कोरोना हो जाए तो इंज दा नहीं हो सकता। ए चौधरी, अपुन ने एक्शन भी कर लिया, टपोरी भी बन गया, कॉमेडी भी कर ली, इन इंस्पेक्टर का रोल पिट गया, अभी कोई नए तरीके से मेरे को लॉन्च करो मार्केट में। पहले तो तेरी फिल्म थी ना जमाने से क्या डरना, हूं अभी बनावांगे जनाने से क्या डरना। अच्छा पापा जी, पहले तो तुसां दी फिल्म आई सी ना खलनायक, जो पेट्रोल दी कीमत वध रही है ना, हुण असीं बनावांगे पैदल चल नायक। ओदो तो बनी सी ना वास्तव, असीं बनावांगे अल्लाह वास्तव। ए भाई लोग, जैसे तुम लोग मेरी फिल्म बना रहे हो ना, पहले तो निकला था ना मेरे घर से AK-56, अभी निकलेगा AK-47 चमूटा। अरे घोंचू, तेरे पास दो सुंदरियां बैठी है ना, इनको लेके मेरे साथ बनाया लव ट्रायंगल। ओके, उकासा को बनाओ वास्तव की सोनू, और निमरा को बनाओ अपना खलनायक की राधा, और मेरे को बनाओ बल्लू बलराम MBBS। आज रात को 12 बजे 12 मिनट पे बल्लू तेरे जेल से फुर। जिस किस्म दी तुसा वन लाइनर दसी है ना, अगला आइडिया माड़े जेन च आ गया। अच्छा, इंज करके फ्रेम खुलिया ते संजू बाबा व्हील चेयर ते। एक पासे राधा ते दूए पासे सोनू है। अरे वाह, सोनू दे हाथ च ड्रिप है ते राधा दे हाथ च रिपोर्टा ने। दोवां ने टाइट क्लोज च तका लाया ते पीछे ओवरलैप होई है कोई सखी जेड़ा मेरे प्राण दे फिट्टे ठीक करा देवे। है कोई सखी जेड़ा मेरे वीर दे गुर्दे ठीक करा दे। कोई अल्लाह दा प्यारा जेड़ा मेरे भरा नूं मरे बंदे दे कपड़े दे देवे। कोई मेरा वीर जेड़ा सदका फितरा ना दे देवे। असी एडे तंग आ कोई एदे तो गड्डी लगा देवे। एक मिनट, तुम लोगों को मांगने का इतना ही शौक है ना, तो मेरे लिए कोई रिश्ता मांगो, एक साल में दोनों को मामू बना दूंगा। जैसी जितनी आपकी उम्र है ना, आपको कफन मांगना चाहिए। वो नहीं है, इसके सेल निकाल के रखो यार। यार चोपड़िया, ओए संजू बाबा नु घोड़ा मार ते मेरी फिल्म दी तैयारियां कर। ओ ये दर्दी नहीं HSY, ओए ओनु बड़ा ते इन कुड़ियां दे गरारे बनवा। कुड़ियां दे गरारे शरारे लेंगे ते मैस्कियां ते चोलियां दे आर्डर दे। मैस्कियां कहा है ना, बहुत ही कमाल। और चोलियां वक्त ते ना उसन ते गाना किवे शूट होसी बला? केड़ा गाना? चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी अपने यार को, यार को। चल बैठ गया कुड़क चौधरी, बैठ गया। यार मोसन पापे, जवान बच्चियां व्याण वालियां हो बाबुल दियां तो नींदरां उड़ जांदियां ने। ए मामा हले तक चोलियां पा रहा वे। नीरू बाजवा नूं असां जवाब देना है बूए बारियां दा। चौधरी उकाशा बनेगी नीरू बाजवा, चौधरी निमरा बनेगी रुबीना बाजवा। मैं ते अमेजन कर रहा हूं रुबीना बाजवा वाला रोल जदों निमरा करसी ते दाबड़ा फड़ के पाथियां वाला तेरे पीछे पीछे फिर दी चंगी लगसी। चोपड़िया मैनू जोर ना फिल्म आई है और तूनू ड्रैग ना कर, मेरा उकाशा ना गाना पा। चौधरी का चंद हो या आफताब इकबाल हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन आपके लिए चौधरी का सांड हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम तुम खाना खराब हो।
हाँ हाँ, चौधरी का सांड हो या मल्ले के भांड हो। यार चौधरी पापा, अगर तू फैसला कर ही लिया कि फिल्म का हीरो तू आसे, ऐसे फिर इस फिल्म का नाम चेंज हो सी। फिल्म का नाम सी चौधरी दुल्हनिया ले जाएगा। और यार तेरी गल तो ठीक है, पर ए फिल्म 1000 हफ्ता चली सी, तू फिल्म ए बना कदी चौधरी कदी गम। पर नहीं 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 नहीं, मैं फिल्म दे वाइंड अप ते चौधरी साहब तुसा की मरवाना फेर। इस वास्ते फिल्म दा नाम होना चौधरी अलविदा ना कहना। नहीं, मेरे ख्याल से चौधरी अलविदा कह गया। वेल डन, ए पार्ट टू बना सा जी। ओ चौधरी आकाशा जी, ओ तुसी हार्ट ब्रेक न्यूज ना दे। आपके हार्ट पे जितना कुशन है ना, वो कभी ब्रेक नहीं होने वाला। एयर बैग्स लगे हुए इसके हार्ट के। अच्छा, हार्ट तो याद आया, जब तुसी बैठे हो ना, शेरवानी हार्ट गई सी। वैसे आपको देख के मेरे जहन में एक फिल्म आ रही है, केड़ी? दो टके का चौधरी। और जो दिखने में इतना लावारिस चौधरी लग रहा है, इसके पे फिल्म बननी चाहिए कि चौधरी के पीछे क्या है। मैं तो बोलता हूँ इसको लेके ना 8 फिल्म बनाओ। कौन सी? और फिल्म का नाम हो 1 14 मैली सी। मुंह बंद कर अपना, मैं तुहानु वारनोंग देना पिया। वारनोंग चौधर देख के पांव फैलाना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, फिल्म में निमरा चौधरी भी पा ली, उकाशा चौधरी भी पा ली, ते तुहाडी फूफी आशा चौधरी दा की करना? आयो हुण बेचारी गाड़ी बैठ दे। अरे उसके पैसे से तो फिल्म बनेगी। हमारी फिल्म में कोई लड़का वड़का नहीं है क्या? और थानू 2% दा चौधरी एडा वड्डा हीरो नजर नहीं पे आउंदा? बहुत ज्यादा वड्डा ना। मां ऐसी परफॉर्मेंस देनी है कि तुसी दिल दे चुके सनम दे विच। सलमान खान की परफॉर्मेंस बोल जाओ। बेसिकली चौधरी साहब बकवास कर रहे हैं, हम दिल दे चुके सनम। चौधरी साहब बाज आ जाए, फिल्म क्यों बना रहे हैं? इतना हर कोई आपको कह रहा है। ये चाहता है इसका बाप बर्बाद हो जाए, रोड पे आ जाए। अच्छा संजू बाबा, तुसी टाइम काट के एक बकरा लवो या चेना तो अपनी जान ते छुड़ाओ। आप देख रहे हैं पब्लिक। किस हॉलीवुड एक्ट्रेस की डबिंग करने की ख्वाहिश है? एंजेलिना। आए, थोड़ा सा डेमो पेश करेंगे आप? हम उर्दू में डब कर रहे हैं। उर्दू में डब कर रहे हैं ना? पाकिस्तान में चलनी है फिल्म। इसको पकड़ लो प्लीज। ये मुझ पे लाइनें करा रहा है, इसको पकड़ लो। कौन? वो बैठा हुआ है कैमरे के पीछे। अच्छा, अभी मीरा जी होके गई है, अभी 2 दिन पहले हमारे। बहुत करीब है। आप बताइए, आप किस बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए प्लेबैक सिंगिंग करना चाहेंगे? कैटरीना। एंजेलिना कैटरीना, ओके, अच्छा है, अच्छा है। मुझे कैटरीना अच्छी लगती है, मुझे बहुत क्यूट सी लगती है। उनके लिए कौन सा गाना गाएंगे वैसे आप? हाँ, वो एक उनकी मूवी थी बैंग बैंग, उस मूवी का गाना था। मेरा अभी गला, क्योंकि आपको पता है किस रीजन, हर सिंगर कहता है इसे। नहीं नहीं, मेरा, मैंने कभी नहीं कहा, एवरीबॉडी नोज, मैं इस मामले में कभी नहीं कहती, पर आज इसको गवाह बना रही है, कोई किसी ने नहीं हाथ उठाया। नहीं, आप बताएं ना। मैं बताता हूं, है ना, झूठ बोल रही है। वो गाना था, उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, उफ मेरे दिल में आके रातें, मतलब इस टाइप का वो था, मुझे गाया नहीं जाएगा। मजा आने लगा था मुझे यार। हल्की आवाज में नाचा था। बिन बुलाया मेहमान, उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली जगह थी, मुझको ना खबर कब कैसे आया वो, दिल से गपचुप क्या फरमाया वो। डबल उफ उफ था, वो सुनना था मुझे। बहुत शौक है आपको उफ उफ सुनने का। बहुत मजे का था। हां, जानती हूं। मोहसिन, ऐसी अपनी तबीयत देखी या तेरे चस्के देखी? मेरा शो है। अच्छा, आई कैन डू एनीथिंग। टीवी के साथ साथ आप यूट्यूब पे भी काफी एक्टिव हैं। हकीकत टीवी से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं आपके? अच्छा, अभी अभी तो गेम शुरू हुआ है। अच्छा, तो आगे चलता जाएगा इंशाल्लाह यूट्यूब। नाइस नाइस। आप भी यूट्यूब पर हैं या सिर्फ इंस्टाग्राम पे इक्तफा किया आपने? मैं हर जगह पाई जाती हूँ। मैं YouTube पे भी हूँ, Facebook पे भी, Instagram पे, TikTok पे। कैसा कंटेंट होता है आपके YouTube पे by the way? मैं अपने सिंगिंग से रिलेटेड बनाती हूँ। निमरा, तू हर जगह पाई जानी है। निमरा देख लो, मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मेरे गंदू बाबा की गन गिर गई है। इतना बुरा गाया, गिरना ही था इसको। नहीं नहीं नहीं, इनको ग्लूकोज लगवाएं प्लीज। अगर मेरे को ग्लूकोज लगाना है ना, तो इसके हाथ ही लगाओ। आपके हाथ से लगवाना चाहते हैं? कोई बात नहीं, जाते मरीज की ख्वाहिश पूरी किए देते हैं। संजू बाबा, हाँ बोल। तेरे अर्गचू अपनी खोड़ी चोरी करता फड़े जाता है। मोहसिन,
इसका मुंह मेरे को दो। काय बाबा? मैं मुंबई ले जाके झोपड़पट्टी में रखूंगा, तीन चार झुग्गियां तो आ ही जाएंगी इसमें। अच्छा संजू पापा, जेडी फिल्म तुसा कीती सी मुन्ना भाई MBBS, सुने शूटिंग तो बाद तुसी कड़िकी चा गए सो? तेरे नाक में गोली मारूंगा ना, फिर गोली एड्रेस भूल गए, इसके लिए मुसीबत हो जाएगी। हसीनाओं, अब हम आपसे कुछ ऑफ बीट सवाल करेंगे और आपने तेजी से सम पे आने की कोशिश करनी है। okay. अपने अलावा फेवरेट सिंगर, पहले आप, मोमिना मुस्तहसन या मीशा शफी? मीशा शफी का टोन, मोमिना। ओके, पहला फड्डा, अली सेठी या उमेर जसवाल? अली सेठी, दोनों ने। नेहा कक्कड़ या अनवारुल हक काकड़? अनवारुल हक काकड़ कौन है? कोई नया सिंगर है? हाँ, 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 नया सिंगर है, निगरान सिंगर है। निगरान सिंगर है, ते आजकल लोकल कह रहे बिल देने ही पैसे। चॉइस क्लियर है मेरे ख्याल में। हाँ, नेहा कक्कड़। नेहा ही बचती है। ऑफ कोर्स, वही बात। नेहा कक्कड़ या शाय गिल? शाय गिल। ऑलमोस्ट सेम फेज के हैं, टोन्स हैं दोनों के। हाँ, टोन्स हैं, बेसिकली टोन्स हैं। सबा कमर या आयशा खान? सबा कमर। सबा कमर पसंद है। ओके, वहाज अली या फवाद खान? Look at me, Ashley. Look at. आगे स्टेप करूँ? Yes. Okay. तो वहाज। वहाज? Yeah. मैं भी शयाद या माहिरा खान? दोनों एक जैसे लगता है मुझे। दोनों एक जैसे लगती हैं? मतलब सेम। सेम? आप बताएं, बड़ी अदाकारी कौन करती हैं? मैं भी शयाद साहिबा या माहिरा खान साहब? माहिरा, I guess. आलिया भट्ट या सज्जल अली? सज्जल अली। सज्जल अली। सोहेल अहमद साहब या आफताब इकबाल साहब? सोहेल अहमद के टोन्स ही नहीं मान। और और अच्छा, और आफताब साहब इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट है, यानी सोहेल साहब इंटेलिजेंट नहीं है आपके ख्याल? नहीं, नॉलेज एक पैकर होता है ना कि दिखने में कैसा है, तो सोहेल साहब का परफॉर्मेंस ही नहीं मान। अब आफताब साहब परफॉर्मेंस में फॉल नहीं करते, एजुकेशन कह सकते हैं और इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, बट सोहेल साहब की परफॉर्मेंस माशाल्लाह। जवाब अखज़ कर लूं मैं इसमें से, सोहेल अहमद। सोहेल अहमद, परफेक्ट। हाँ, सोहेल अहमद साहब, क्योंकि मैंने अफ्ताब साहब के साथ काम किया नहीं है, हमारा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बाबर आजम साहब या विराट कोहली? बाबर। बाबर, ऐसे मुझे पर्सनली वैसे विराट बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स, या ऑफ कोर्स वी डू, आई अंडरस्टैंड दैट। सलमान खान का डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए ए, या अली जफर का चन्नों की आंख में एक नशा है? चन्नों की आंख का नशा। चन्नों की आंख पसंद है आपको? आपको डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए ए ए ए ए ए ए ए डिंक चिका। ओए हो सच, ओए आज दो दो पैर बखा ही लिए। पर चौधरी, हां अम्मी वाली गल नहीं, आओ नाचें। वन टू थ्री डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए ए ए ए। चौधरी को बोले अब नया गाना बनेगा डेंगी चिका, उस पे नाचे। अच्छा संजू बाबा, पीके फिल्म च जदों बम चलिया सी ते तुसी सची मुची क्यों नहीं मर गए? अभी तेरी बॉलीवुड में एंट्री बैन और तेरी मज की भी एंट्री बैन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की नेचुरल एक्टिंग या शाहरुख खान का VFX? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। क्या बात है, मैं शाहरुख खान की कोई बहुत फैन नहीं हूँ, तो आप नवाज निकल जाओ यहाँ से, तो मैं साथ लेके निकलूंगी। बेस्ट इम्पोर्टेड भाभी, शनीरा अकरम या सानिया मिर्जा? सानिया। मुझे पता, भाभी वैसे बड़े बीचेस वीचेस साफ करती हैं, अकरम भाई की बेगम। शनीरा है ना, बहुत क्यूट सी है ना। हाँ, सानिया भाभी तो वही रहती हैं और वो बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करती हैं पाकिस्तान। एग्जैक्टली। फेवरेट सास आपके ख्याल में, मरियम नवाज या नीतू सिंह? नीतू सिंह। मरियम नवाज। मरियम नवाज, हाँ। अब मतलब वजह है ना, हाँ, मरियम नवाज साहिबा का एक वो है, वो कहेंगे यार ये प्रॉब्लम चल रहा है, कोई बात नहीं बेटा, फिर क्या हो गया, ऐसा ही है ना, टिपिकली नहीं ना, गाड़ी चाहिए बेटा भी आ जाएगी, काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, चार नौकर और रखवा दो। रिच सास, रिच सास ना, रिच सास भाई। ये लोग बैठ के यहाँ पे सास को डिस्कस करेगी, मरियम नवाज या नीतू सिंह, अभी जाके आलिया भट्ट को पूछो कैसा टाइट करके रखा उसने। अच्छा संजू बाबा, जेडी फिल्म तुसा मैं मर गया तो जेडी तुसा फिल्म की थी सड़क, उस फिल्म दे विच जेड़ा विलन सी जनाना, ओ जदों तुसा ने सामने आया ते मर दो लगा। बोलते हैं अपने मुंह ख्वाजा सरा बनना। आतिफ असलम या अरिजीत सिंह? आतिफ सिंह।
That was so political. Yes, ma'am. Arijit. Arijit. मुझे वो बहुत, मुझे उनकी आवाज इतनी अच्छी लगती है कि मैं repeatedly उनके गाने सुनती हूँ. मैं आतिफ की भी फैन हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हूँ, लेकिन अरिजीत लाइक. लेकिन यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि जो आतिफ असलम साहब ने एक जॉनरा सेट किया था बॉलीवुड में, उसकी वजह से उनको अरिजीत, मिथोन और पेपोन और पता नहीं कितने सिंगर खड़े करने पड़ गए ताकि उस एक जॉनरा का मुकाबला किया जा सके. तो आतिफ असलम साहब के लिए ताली. निमरा जी बड़े स्लो स्लो आज तुसी, वैसे टिले टिले लग रहे हो. हाँ. एको जी कुड़ी नु एनर्जी ड्रिंक भी पियो तो लगता है ने नशे वाला टीका लाया है. अभी ना कोई डायरेक्टर वाली बात भी कर लिया करो, सस्ते नशे बेचने वाले लगते हो. अजीब आदमी हो भाई. सस्ता नशा, नशा तेरी अखा विचो आवे मेनू. और ये मुझे कहा नहीं गया, आई रियली एंजॉयड. थैंक यू सो मच. और जाते जाते फिर मिलके गाते हैं. हां प्लीज, सबको ही आता होगा ये गाना. आफ्टर यू, आफ्टर यू प्लीज. बाबूजी धीरे चलना, प्यार में बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना. हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में. बाबूजी धीरे चलना, जाते ये चॉइस इसलिए इधर आए हैं क्योंकि अब वक्त हुआ चाहता है हैप्पी रोस्टिंग का. और धीरे धीरे वन बाय वन आपको हम सबको रोस्ट करना है. हस्बे तौफीक, इनकी शक्लें देखते जाएं और इनको एक एक जुगत मारते जाएं. सबसे पहली बारी है इन साहब की, चौधरी साहब यानी शहरी नन्हा साहब. हाँ, बेकरी दे वड्डे ओवन च सड़िया वड्डा छुतर मुर्ग हुंदा. बेकरी दे वड्डे ओवन च वड्डा छुतर मुर्ग. एडी खिंच नाल मैं पहली दफा सुन रही हूं. ओके, नेक्स्ट वन इज वाजिद खान. वाजिद भाई आए. मौत दे खूह ते पैसे फड़न वाला ख्वाजा सरा हुंदा. यार यू सो गुड मैन, यू सो गुड. ओ माय गॉड. ए नाचते हुए ना अपने पैसे इकट्ठे करके अपने गुरु को नहीं जांदा. नाच दो नाच दे कार चला जांदा.
सही है ना, पैसे तो कौन ले, कन्वेंस की लोड ही नहीं। ओके, अगली बारी है शकील सिद्दीकी साहब की, उनको गायबाना झुकते करो। अच्छा वो है काम, वो नजर नहीं आ रहे, वो एमरजेंसी में ग्लूकोज लगवाने गए, उन्होंने नैकोटीन कट जाती। वैसे भी जो लग रहा था ना उनके हालात, थोड़ी सी और चेने पैदा होना ऐसे हो जाना था। बोतल लवान गए ने, बोतल लंबी पई थी उन्होंने टंगिया। आप भी कोई गायबाना झुकत करेंगे उनको? ओ चूहा है जेड़ा बिल्ली भी छड़ दिंदी है मेरे मिजाज दा। नेक्स्ट वन इज फलक जी। मल्ले दे बच्चियां नू दो दो रुपए देके कहंदी है मेनू कैटरीना कैफ को। धोखा दे दिया दोस्त ने। ओ बच्चे भी शोखे को 5 5 देके कहंदा मैं भाई सैफ ही कहना। अच्छा इन्हू वेख लगता वो प्लास्टिक की गुड्डी जी कार आते बच्चे सब तो पहले वाल लाते। अच्छा, वाल ला के फिर बच्चे आपस में गल्ला भी करते हैं। वेख मियां शहबाज शरीफ नहीं लगे। अब हमारा होस्ट जी इनकी तारीफें करें। माई दी चुगी दा माइकल जैक्सन हुंदा। वेल